हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वो देखिए सुमान, वेलकम टू डोंट नो डॉक्टर वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं, जैसे अब आपको सबको मालूम है कि नया ड्राफ्ट आ चुका है रेगुलेशंस का और जल्द ही वो अप्रूव होके लॉ बन जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अब हम ड्रोन लें या वेट करें ऑफिशियल स्टोर्स का आने का। और एक पॉपुलर क्वेश्चन आ रहा है कि जो 15 मीटर की लिमिट थी वो हट जाएगी मिनी में से या नहीं। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का मैं इसमें आंसर करने वाला हूँ कि क्या स्टेटस है आज की डेट में विद रिगार्ड टू दीज टू क्वेश्चंस। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आप में से कोई भी अगर क्रिप्टो माइनिंग में इंटरेस्टेड है तो क्रिप्टो किंग चंडीगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई रिग बनाना चाहता है नॉर्थ इंडिया से तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं रिग बिल्डिंग भी करता हूँ और काफ़ी कस्टमर्स नॉर्थ इंडिया से मेरे पास आते हैं एंड मैं खुद भी माइनिंग करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब हमें ड्रोन बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। जिसने नया ड्रोन लेना है, जिसके पास है दैट्स ओके, वो रखें, बेचें मत, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ अब होगा। जिनके पास भी एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं, अब कोई वो नहीं है कि किसी काम का नहीं रहा या नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन आ गई है ड्रोन्स के उसमें, ड्राफ्ट में, रेगुलेशन में, और डेफिनेटली आप उसको उड़ा पाएंगे कुछ ना कुछ करके। जैसे मैंने आपको बताया था क्या रिलैक्सेशन आई है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं पिछले। तो जिनके पास ड्रोन है वो अभी सेल ना करें, मतलब इस झांसे में आगे कि ड्रोन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई इंडिया में, क्योंकि नया ड्राफ्ट जो बना है वो रेगुलर मतलब लॉ बनने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, अब जो लेना चाहते हैं वो वेट करें या ले लें। तो ये मैं आप करूँगा कि प्रोसेस गवर्नमेंट वाला थोड़ा स्लो होता है। अब DGA ने भी ऑफिशियली बोला है कि वो आएगा इंडिया में, तो कब आएगा, 5-6 महीने में आएगा, साल में आएगा, ये अभी कुछ तय नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से पर्सनली जिसको रिक्वायरमेंट है और जो चाहता है कि अपने व्लॉग्स बनाने हैं, कैंपिंग करता है, या कोई फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, अपने शॉट्स को, अपने वीडियोग्राफी को इम्प्रूव करना चाहता है ड्रोन शॉट से, और उसको अगर अवेलेबल हो रहा है ड्रोन आज की डेट में, तो मैं अपना ये मेरा व्यू है कि उस वो अब ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाएगा वो, अगर उसको अवेलेबल है तो वो ले सकता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अभी जो रेट्स हैं, आपको कंपैरेटिवली जब ऑफिशियली यहाँ पर DJI के स्टोर्स खुल जाएंगे उसके मुकाबले में महंगा मिलेगा। बट वही टाइम इज़ मनी, जैसे अगर वक्त की आपको मतलब इम्पॉर्टेंस है कि मुझे अभी चाहिए और अभी मेरे को क्लाइंट्स मिल रहे हैं, फिर मेरी वीडियोग्राफी इंप्रूव होगी और अच्छे बनेंगे वीडियोज़ मेरे ड्रोन शॉट्स की वजह से, या व्लॉगर्स हैं वो अपने यूट्यूब वीडियोज़ को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब और अच्छा वर्सेटाइल बनाना चाहते हैं, और उनको एक डील मिल रही है अच्छी, चाहे सेकेंड हैंड में या फर्स्ट हैंड में, तो मेरे हिसाब से आप अभी ले सकते हैं, अगर इफ़ योर पॉकेट अलाउज। पर अगर आप एक पेशेंट हैं, मतलब पेशेंट मतलब थोड़ा वेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही लेना है, आप वेट कर सकते हो अच्छे रेट्स की, देन यू कैन वेट। पर अब ये वेट कितना लंबा होगा ये अभी मैं नहीं कह सकता इस वीडियो में, क्योंकि अभी एक ऑफिशियल मतलब अनाउंसमेंट हुई है कि होगा, सारा कुछ हो गया पब्लिक, लेकिन किस डेट को होगा, क्या टेन्योर होगा उसको आने का, और सारा कुछ सिस्टम वो अभी तय नहीं हुआ है, तो ये वेट काफ़ी लंबी भी हो सकती है। तो उस हिसाब से जिसको जल्दी है और जिसको लग रहा है कि मुझे अब लेना चाहिए तो वो ले सकता है। और मेरे पास कुछ डीलर्स के आए भी हुए हैं रेट्स, मुंबई से डीलर्स हैं, जैसे मैं एक पहले जो मेरे डीलर जान जानते ऐसे मेरे को कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, तो वो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके रेट्स रिवील कर दूंगा और उनका सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको बता दूंगा। तो जिस जिसको वो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। इनके पास मिनी भी पड़ा है, FPV भी पड़ा है, मैविक एयर 2 भी पड़ा है, मैविक प्रो भी पड़ा है, प्रो 2 भी, सभी ऑलमोस्ट लेटेस्ट ड्रोन्स, और मिनी 1 एंड मिनी 2, और हमारा पुराने जनरेशन का मैविक एयर कॉम्बो भी पड़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारी वैरायटी है, जो जो काफ़ी पॉपुलर जो भी ड्रोन्स हैं वो सब इनके पास हैं। एंड काफ़ी स्पार्क के बारे में इंक्वायरी, स्पार्क अवेलेबल नहीं है, वो जो भी था वो खत्म हो गया, मतलब इंडिया में नहीं है, स्पार्क इज नॉट अवेलेबल, फर्स्ट हैंड में तो नहीं है, सेकेंड हैंड में आपको कोई मिल जाए तो ठीक है। बाकी मिनी, मिनी 1, मिनी 2 कॉम्बो में एंड मैविक एयर, ये सब उनके पास अवेलेबल है, जिसको चाहिए आप लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि अगर आप वेट नहीं कर सकते ज़्यादा और आपको लग रहा है कि अभी खरीदने से मुझे फ़ायदा, मतलब आपके प्रोफेशन में या आपके वीडियोज में फ़ायदा होगा, तो आप ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं दूसरे पॉपुलर क्वेश्चन की के लिए कि मिनी में जो रिस्ट्रिक्शन है वो
नए रूल्स के हिसाब से वेव ऑफ मतलब वो खत्म हो जाएगी या नहीं। तो उसका क्लियर कट मेरी समझ से जो है आंसर वो है नो। अभी फिलहाल ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, बट अगर आप सेंसिबली और पूरा उसके हिसाब से सोचें तो उसके हिसाब से ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो नैनो ड्रोन है, ये नैनो कैटेगरी का ड्रोन है सबसे पहली बात, तो वो 249 ग्राम से कम है। तो जो नैनो कैटेगरी है, तो नैनो कैटेगरी को अभी तक नहीं वो चाहते हैं कि इतना छोटा ड्रोन काफ़ी ऊपर रेंज तक उड़े। ठीक है, अभी ये कन्फर्म नहीं है, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये नैनो को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई जाएगी, मतलब नए ड्राफ्ट में भी अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो मेंशन था वो मैंने बता दिया। मिनी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि नैनो ड्रोन्स का क्या स्टेटस होगा, वो लिमिट खत्म होगी या नहीं होगी, बट फिलहाल के लिए अभी वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी और आगे भी रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हल्का ड्रोन है और उसके चांसेस हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ज़्यादा हवा के साथ बह जाए, और हवा के साथ हो सकता है ज़्यादा ऊपर जाने, अगर आप ज़्यादा काफ़ी ऊपर उड़ रहा है और हवा के फ्लो में आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसी रेंज में कोई लो एयर क्राफ्ट उड़ रहा है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये रीज़न है, क्योंकि जो हैवी ड्रोन्स हैं माइक्रो कैटेगरी के, जो अपने मैविक एयर, मैविक 2 प्रो और फैंटम सीरीज़ के, ये ड्रोन हैवी हैं और इनका चांस हवा के फ्लो में और आउट ऑफ कंट्रोल होने का चांस कम है एज़ कम्पेयर टू नैनो ड्रोन्स। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो लिमिट है ये रहेगी, क्योंकि नैनो कैटेगरी काफ़ी यंग भी, मतलब जो यंग जनरेशन है काफ़ी यंग वाली, मतलब 11-12 साल के भी लोग उड़ा लेते हैं और वो 18 प्लस उड़ाते हैं, उस पर लिखा होता है बॉक्स के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी समझ के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो लिमिट हटेगी मिनी में, क्योंकि मिनी एक अलग ही कैटेगरी है, बिगिनर ड्रोन है। बाकी जहाँ तक प्रोफेशनल की बात है माइक्रो कैटेगरी में, तो वो मैंने आपको बता दिया। एंड एक बात और कि रजिस्ट्रेशन जो है ड्रोन की, रजिस्ट्रेशन जो है वो नैनो की नहीं होनी है लेकिन माइक्रो की होनी है। ये मैंने कभी भी नहीं बोला कि माइक्रो कैटेगरी को आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी, सिर्फ ये रिलैक्सेशन मिली है कि जो माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन्स हैं अगर आप प्रोफेशनली तौर पे यूज़ नहीं करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, तो अब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वैन यू आर यूजिंग इट प्रोफेशनली, किसी प्रोफेशनल वे से अगर आप वो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, तब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये मैंने पहले भी बताया था और आप क्लैरिफाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट थिंग। वो आपको एक ड्रोन नंबर मिलेगा, जैसे RC का नंबर होता है, वो नई रेगुलेशन में भी होगा, बट थिंग ये होगी कि वो आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो पहले वाली रेगुलेशन थी उसमें वो आसानी से ना तो समझ आ रहा था ना वो हो पा रहा था। अब जो नए ड्राफ्ट आया और जो नई रेगुलेशन आएंगी उस पे आपको ईजिली आपका ड्रोन आप रजिस्टर कर पाएंगे, लेकिन नैनो कैटेगरी के ड्रोन की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिए दोनों के आंसर्स वेरी क्लियरली और विद गुड एक्सप्लेनेशन कि क्या रीज़न है और क्या एक्सपेक्टेशन आगे हो सकती है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या इसमें रिलेशन में कुछ समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए है तो आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वेरी है देन यू कैन राइट इट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाकी Q&A भी हम करते हैं इस चैनल पे, 3-4 हफ्ते में एक बार होता है जिसमें मैं सभी नाम लेता हूँ, और इस वीडियो के ऊपर जो भी कमेंट्स आएंगे तो मैं ऐसे मेंशन करता हूँ, ये वाले वीडियो के ऊपर मैं बता रहा हूँ, अब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ड्रोन रेगुलेशंस, ड्रोन्स, ड्रोन टिप्स, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है वो सभी लिए जाएंगे। जो नेक्स्ट Q&A जब भी होगा मैं एक एक नाम लेके उनका आंसर करूँगा। ठीक है, तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, एंड बाकी वो दूसरा मैंने आपको बात बताई, अगर आपको प्राइस लिस्ट चाहिए देन यू कैन ईमेल मी, तो ईमेल पे भी मैं आपको बता दूंगा। माई ईमेल इज drmrocks@gmail.com और दैट्स इट। अगर क्रिप्टो में किसी को इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें क्रिप्टो किंग चंडीगढ़, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर रिग बिल्डिंग टू। थैंक यू।